राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भारतीय ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सेवा के अधिकारियों और भारतीय रक्षा लेखा सेवा के प्रोबेशन अधिकारियों ने राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। उन्होंने कहा कि युवा अधिकारियों के विचार और निर्णय देश के भविष्य को आकार देने में व्यापक स्तर पर योगदान देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के उद्घाटन सत्र को वर्चुअली संबोधित किया। शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी हितधारकों के संयुक्त प्रयासों के कारण ग्लोबल साउथ की आवाज वैश्विक स्तर पर पहली बार सुनी जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जकार्ता में तिमोर लेस्ते के अपने समकक्ष के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और तिमोर लेस्ते को भारत में निर्मित रक्षा उपकरणों की आपूर्ति सहित भविष्य में सहयोग को लेकर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी 19 नवंबर 2023 को होने वाले विश्व शौचालय दिवस से जुड़े स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम में शामिल हुए। यह कार्यक्रम आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लोगों की अभूतपूर्व भागीदारी के कारण स्वच्छ भारत मिशन एक जन आंदोलन बन गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने डिजिटल इंडिया RISVV DIRV कार्यक्रम पर राष्ट्रव्यापी रोड शो को हरी झंडी दिखाई। संबोधन में केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि यह कार्यक्रम छात्रों, स्टार्टअप और उद्यमियों को अवसर प्रदान करेगा, जिससे भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को और बढ़ावा मिलेगा।